गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो आज मैंने बहुत सारे यू नो न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं फॉर दिस फ्रॉम दिस ब्रांड लामेल ब्यूटी। लामेल ब्यूटी की मैं बोलती हूँ इसको हमेशा लामेल। या सो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ जिसमें मैंने लामेल के यू नो इक्का दुक्का प्रोडक्ट्स ट्राई करके आप लोगों के साथ शेयर किया था। नॉट इक्का दुक्का, कॉम्पैक्ट भी ट्राई किया था, कंसीलर ट्राई किया था, लिपस्टिक नहीं थी मेरे पास, फाउंडेशन ट्राई किया था, उनका प्राइमर ट्राई किया था। या मतलब 4-5 प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी इनके ट्राई करके देख लिए थे। एंड उस वीडियो में मैंने बोला था कि अगर मुझे ये ब्रांड मैंने इस थॉट से लिए थे कि चलो ये बेस प्रोडक्ट्स ले लेती हूँ, अगर मुझे अच्छे लगे तो और एक्सप्लोर करूंगी मैं। ठीक है, सो या मुझे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगे जब मैंने लास्ट टू लास्ट किसी वीडियो में आप लोगों के साथ लामेल ब्यूटी के लामेल के प्रोडक्ट्स आप लोगों के ट्राई करके दिखाए थे। फिर मैंने ना इनका एक न्यू फाउंडेशन देखा, ठीक है, तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने सोचा चलो उसको ट्राई करते हैं। और फिर इनके आई शेडोज, लिक्विड आई शेडोज, यू नो आज इनको मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सो मैट लिक्विड आई शेडोज हैं जो मुझे बहुत मतलब यूनिक लगे आई वुड से, क्योंकि मैंने ना लिक्विड मैट आई शेडोज इतनी अफोर्डेबिलिटी में नहीं ट्राई किए थे। ऑल्सो दिस ब्रांड इज प्रिटी अफोर्डेबल, यू नो इट्स नॉट लाइक कि 500 से ऊपर कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं है इनकी। सो या दैट्स दैट, तो मुझे लगा कि बहुत ही सही एक मेकअप ब्रांड है। लाइक हमारा जैसे मार्स है, स्विस ब्यूटी है, तो ऐसा ही है लामेल भी। और आई थिंक ये जो इंटरनेशनल ब्रांड है ऑब्वियसली अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, नायका के ऊपर भी है, मिंत्रा के ऊपर भी, ऑफकोर्स hawkmakeup.com के ऊपर भी आपको लामेल के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो में यू नो मैंने जो ट्राई किया है, अच्छा सबसे अच्छी बात ये पीटा सर्टिफाइड ब्रांड है, ठीक है, सो क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है ये। एंड मैंने आज ट्राई किया है इनका स्मार्ट स्किन सीरम टिंटेड फाउंडेशन विद हाइलोरोनिक एसिड। यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो बेसिकली इनके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए हैं, लाइक लिपस्टिक, पाउडर मैट लिपस्टिक जो मैंने पहनी हुई है, इनका ब्राउन काजल, इनकी मैड आईज आई शेडोज लॉन्ग लास्टिंग मैट फॉर्मूला। सो या आई हैव ट्राइड कपल ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस ब्रांड एंड इक्का दुक्का और प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए हैं, ठीक है। सो या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, यू नो दिस इस तरह की लुक ये यू नो कुछ क्रिएट हुई है। सो टोटली लविंग दिस काइंड ऑफ लुक, यू नो मेकअप है बट इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि बहुत सारा मेकअप है। आज मैंने एक ट्रेडिशनल यू नो मेकअप लुक क्रिएट किया है यू नो मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ। साड़ी पहनी हुई है मैंने, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी मैंने मीशो से साड़ी परचेज की, ये वाली 300 समथिंग में। इसका ब्लाउज भी बड़ा सुंदर आया मेरे साथ, जो मैं अभी स्टिच नहीं करवाया मैंने। सो हाँ, तो हम ब्रांड के लामेल के ऊपर वापस आते हैं, तो लामेल के बारे में एक चीज मैं बताऊंगी, जो मैंने आज प्रोडक्ट्स ट्राई किया ना, लाइक लिटरली माई स्किन फील्स लाइक स्किन, माई स्किन इज लुकिंग लाइक स्किन, नथिंग यू नो इट्स लाइक कि मेरी स्किन के ऊपर मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैंने मेकअप लगाया। यू नो आई एम टचिंग माई स्किन लाइक बैडली, यू कैन सी इतनी टाइटली मैं अपनी स्किन को टच कर रही हूँ एंड यू कैन सी माई स्किन इज लुकिंग स्टिल लाइक स्किन। मतलब अगर आपको स्किन लाइक मेकअप लगाना अच्छा लगता है, यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसको बहुत ही लाइट वेट सा मेकअप लगाना अच्छा लगता है, एंड यू नो ट्रांसफर प्रूफ मेकअप है, मैंने कोई सेटिंग स्प्रे कुछ भी यूज नहीं किया था, सो आई एम लाइक रियली वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस ब्रांड, ठीक है, न्यू लॉन्च के साथ। एंड या सो लेट्स बिगिन द वीडियो, लेट स्टार्ट द वीडियो। आप लोगों को अगर ये लुक अच्छा लग रहा है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अप्लाई करूंगी क्लियर्स का विटामिन सी फेस सीरम। सो या रिसेंटली मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया है, ऑलरेडी ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, आई डोंट नो मतलब बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो गया, हालांकि मैंने बहुत डार्क जगह पे इसको रखा हुआ है। सो प्योर विटामिन सी एंड सेंटेला एशियाटिका एक्सट्रैक्ट्स है, एक्सट्रैक्ट्स हाइब्रिड स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी। द विटामिन ड्रॉप इज अ यूनिक एंड इफेक्टिव सीरम फॉर्मुलेटेड विद प्योर विटामिन सी एल एस्कॉर्बिक एसिड, माइल्डली इम्प्रूव्स एंड टोन एंड टेक्सचर विदाउट हार्श इरिटेशन। सो या उसके बाद मैंने लिया है कलर बार का मेरा फेवरेट फेस ऑयल, सेलुलर ड्राई ऑयल। मेरी स्किन आजकल बहुत वियर्डली ड्राई हो रही है, यू नो यूजली मेरी स्किन टी जोन जो रहता है ऑयली ही रहता है, बट आउटर पैरामीटर्स जो है ना मेरे फेस के बहुत ड्राई हो रहे हैं।
सो या अभी मेकअप स्टार्ट करते हैं। लामेल का मैं यहाँ पे लूंगी ओ माई बीबी प्राइमर, हैशटैग ओ माई बीबी प्राइमर, टोन अप बेस स्मूथ एंड ब्लर प्राइमर। इसकी कंसिस्टेंसी लाइक आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि ये बहुत यूनिक प्राइमर लगा मुझे। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस जो कि उड़ जाती है थोड़े टाइम में, बट इट डज़ हैव फ्रेग्रेंस, ठीक है। और ये इसका जो टेक्स्चर है ना, इसको मैंने ब्रश की हेल्प से यूनिक स्ट्रिपलिंग काइंड ऑफ ब्रश लिया मैंने, ये एल्फ का ब्रश आई गेस, हाँ पट्टी ब्रश ब्रश है ये। सो इसकी हेल्प से ना मैंने इस प्राइमर को अप्लाई किया। यू कैन सी कितनी ब्यूटीफुली ये ब्लेंड आउट हो रहा है। ऑल्सो इट्स नॉट योर टिपिकल सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर या फिर कोई आपके ब्लर कर देगा, ऐसा नहीं है, बट इट विल हाइड्रेट योर स्किन, इट विल मेक योर स्किन लाइक यू नो वेरी ड्यूई, वेरी ग्लोई, यू कैन सी, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े, अगर आपके स्किन के बहुत बड़े बड़े गड्ढे या पोर्स हैं तो उनको ये फिल नहीं करेगा ऑनेस्टली। तो उसके बाद मैंने यूज़ किया है लामेल का स्मार्ट स्किन सीरम टिंटेड फाउंडेशन प्लस हाइलोरोनिक एसिड सिल्क कवर स्मार्ट शेड SPF 30+, 35 ml प्रोडक्ट की क्वांटिटी। माई शेड इज़ 408 हनी एंड इट्स लाइक काइंड ऑफ माई ट्रू मैच। या इसकी ना मुझे, क्योंकि इसका ऊपर लिखा है सीरम टिंटेड फाउंडेशन, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा लिक्विडी, थोड़ा रनी, थोड़ा पतली कंसिस्टेंसी का होगा, बट टू बाई सरप्राइज ये थोड़ा सा थिक था। बट उसके बावजूद इसकी जो ब्लेंडिंग थी वो बहुत ईजी थी, ठीक है। यूजली जो थिक फाउंडेशन होते हैं उनको हम फिंगर की हेल्प से ब्लेंड नहीं कर सकते बिकॉज वो इतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होते। यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर डेफिनेटली यूज़ किया है, बट इफ़ यू वॉन्ट तो आप इसको फिंगर्स के साथ डेफिनेटली ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला फाउंडेशन की कवरेज अगर मैं बोलूँ ऑनेस्टली, तो इसकी कवरेज ओके कवरेज है बिकॉज सिरम टिंटेड फाउंडेशन है। यू कैन यूज़ दिस एज योर अ डेली यू नो बीबी क्रीम काइंड ऑफ थिंग अगर आप यूज़ करते हो, बिकॉज इट हैज़ SPF 30 भी ना, 30+, तो विच इज़ ग्रेट। तो मुझे अच्छा लगा ये ऑनेस्टली। मैंने इसको ना मतलब विदाउट कैमरा, यू नो विदाउट फिल्मिंग भी बहुत बार यूज़ कर लिया है अभी तक मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक डेली बेसिस के ऊपर मुझे 3-4 बार मैंने यूज़ करके देखा। एक तो ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता मेरी स्किन के ऊपर, इट फील्स वेरी लाइट ऑन द स्किन एंड ऑल्सो इट लुक्स लाइक स्किन लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर। तो बहुत बहुत अच्छे से यू नो ब्लेंड हो जाता है फिंगर की हेल्प से एंड स्किन आपकी बिल्कुल ऐसे मैट नहीं बनती है। यहाँ पे प्राइमर की वजह से, ऑयल की वजह से थोड़ी ड्यूई लग रही है, बट इट्स नॉट दैट ड्यूई, ठीक है। ड्राई मैट नहीं बनाता है, बट इतना ड्यूई नहीं दिखती है आपकी स्किन, ठीक है। सो यस, इसमें आई गेस शेड्स काफ़ी कम है, आई नो दैट इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, बट ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कंसीलर एंड आई एम यूजिंग दिस लामेल प्रोफेशनल मेकअप हैशटैग ओ माई क्लियर कम्प्लेक्शन कंसीलर विद टी ट्री ऑयल एंड विटामिन ई। ओके गाइज, ये मेरे को कंसीलर बहुत अच्छा लगता है ये वाला, बट सैडली इसकी ना मैंने थोड़ा लाइट शेड ले लिया था। इसको मैं डेली बेसिस के ऊपर, लाइक जब मुझे फुल ग्लैम करना था मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ बिकॉज इट्स लाइक अ ब्राइटनिंग कंसीलर, बट डेली बेसिस के ऊपर तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ ऑब्वियसली। ब्लेंड बहुत बहुत सीमलेसली और चुटकी में मतलब ये ब्लेंड हो जाता है एंड इसकी कवरेज अगेन आई विल से कि इट्स नॉट वेरी हाई कवरेज फॉर्मूला, इट्स लाइक शेयर टू मीडियम काइंड ऑफ कवरेज। या अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने शुगर का कॉन्टोर लिया है, मेरे पास लामेल के से कोई भी कॉन्टोरिंग नहीं था, ठीक है। तो ये मैंने ना निकी ट्यूटोरियल्स में देखा था, शी वॉज डूइंग दिस टेक्निक, शी वॉज ट्राइंग दिस टेक्निक, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो हाँ, थोड़ा सा तो डिफरेंस आपके आ जाता है स्ट्रक्चर में फेस के। तो ओके, यहाँ पे बात करते हैं लामेल के बारे में। लामेल मतलब मुझे अच्छा लगा, स्विस ब्यूटी, मार्स, इनसाइड कॉस्मेटिक्स, इनसे हटके भी एक अफोर्डेबल ब्रांड आया है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं लाइक ब्लू हेवन के, बहुत बार मेरे साथ हिट एंड मिसेज ऐसे रहते हैं, बट इसके साथ क्या है, मेरे को अभी तक मैंने जो प्रोडक्ट्स के यूज़ किए हैं सभी के सभी मुझे बहुत पसंद आए हैं। या तो ये मैंने अब यूज़ किया है इनका लामेल का बीबी ब्लश टिंट क्रेम फॉर्मूला ड्यूई सिल्क फिनिश। शेड इज लाइक ओके 401 टी रोज मैंने शेड यूज़ किया है। मतलब मेरी स्किन के ऊपर इतना बहुत सुंदर नहीं लग रहा है ये शेड। अगर आप बहुत ही फेयर स्किन टोन के हो तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा ये, बट डस्की स्किन टोन के ऊपर आई डोंट थिंक सो, कि पता नहीं थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग्स है मेरी इस ब्लश को लेके। नो डाउट दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्लश। मुझे ना, मैंने पहले भी बोला था कि मुझे ऐसे लगता है कि ये वाला जो ब्लश की कंसिस्टेंसी है ना, फॉर्मूला है, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है रेयर ब्यूटी के ब्लशेस के साथ। सो या
फिर मैंने थोड़ा सा कंसीलर को रीअप्लाई किया है, रीअप्लाई के बावजूद ये बिल्कुल क्रीज नहीं करता है मेरे फाइन लाइंस में, बिल्कुल सेटल नहीं होता, विच इज़ गुड। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा लूज पाउडर के साथ सेट कर लिया, के ब्यूटी का लूज पाउडर लिया, फिर मैंने के ब्यूटी का ही ब्लश लिया, मैट ब्लश, ठीक है। एंड वट इज द शेड, द शेड इज सॉफ्ट न्यूड, सॉफ्ट न्यूड। ओके, सो या यू कैन सी ब्लश मेरे स्किन से बहुत जल्दी उड़ जाता है, तो इसलिए हमेशा मैं पहले ज़्यादा लगाती हूँ, लास्ट में ठीक हो जाता है। अच्छा, अब हम अप्लाई करेंगे इनके ये मैड आईज़ लॉन्ग लास्टिंग मैट फॉर्मूला आई शेडोज़। तो इसमें ना मैंने 3 शेड लिए हैं, सो आज मैं जो यूज़ करने वाली हूँ दैट इज़ 403 सैवेज। एंड इसमें मैंने 3 शेड्स लिए थे, एक रस्टिक ब्राउन मतलब मैकियाटो शेड था जो मैंने यूज़ किया है, वो है सैवेज, एंड एक और शेड है, लेट मी सी, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। एनीवेज, तो बहुत ही अच्छे हैं, बट इनके साथ एक दिक्कत है कि अगर आप बिगिनर हो ना तो थोड़ा ध्यान से मतलब इनके साथ काम करना, बिकॉज अगर एक बार ये अप्लाई हो गए तो इनको जल्दी जल्दी से एक तो ब्लेंड करना पड़ेगा, ऊपर से अगर ये लग गए ना कहीं कहीं पे तो ये हटने नहीं वाले, क्योंकि यूजली हम पाउडर ब्लशेस को, पाउडर आई शेडोज को तो थोड़ा स्मज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ये तो बिल्कुल जल्दी जल्दी से सेटल्ड हो जाते हैं, सो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, ठीक है। सो या उसके बाद मैंने इनका काजल लिया, ब्राउन कलर का काजल है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे इनका काजल, बहुत ही इजीली ग्लाइड हो रहा था और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। या दिस इज़ प्रोफेशनल मेकअप लॉन्ग लास्टिंग काजल आईलाइनर, ब्राउन कलर में लिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने मस्कारा अप्लाई किया, मेरा पता नहीं कौन सा मस्कारा था। एंड उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का, ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया, सो स्विस ब्यूटी का सिल्की मूज हाइलाइटर, ठीक है, इन दी शेड रास्बेरी 02 रास्बेरी। अच्छा लगा, बट इट्स लाइक वेरी सटल हाइलाइटर, ठीक है। इफ़ यू आर लाइक कि आपको सटल अच्छे लगते हैं हाइलाइटर्स, इट्स नॉट वेरी पॉपिंग, इट्स नॉट वेरी आई वुड से पार्टी काइंड ऑफ हाइलाइटर नहीं है ये, या तो इसको फिंगर्स के साथ आपको ब्लेंड करना पड़ेगा, ब्रश के साथ इतने अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था ये, ठीक है। ओके, फिर मैंने ना क्या किया, मेरे पास लिप लाइनर नहीं था, लामेल का ही मैंने ये जो काजल अप्लाई किया था ना, लॉन्ग लास्टिंग काजल आईलाइनर, इसी के साथ 402 शेड में है ये, इसको मैंने एज अ लिप लाइनर यूज़ कर लिया। नेवर माइंड, आजकल सब कुछ चलता है। सो इसके साथ मैंने लिप्स को लाइन किया, एंड देन मैंने इनकी ये लिपस्टिक यूज़ की है, दिस इज लामेल पाउडर ड्रॉप कंफर्ट वेलवेट मैट लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग लिप कलर इन द शेड 401 कोल्ड बेज। बेज कलर पता नहीं मुझे, थोड़ा सा न्यूड पिंक कलर है ये, काफ़ी ब्राइट पिंक, न्यूड तो नहीं है। अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल नहीं है ये पाउडर मैट जो लिपस्टिक है इनकी, एंड इट्स वेरी वेरी मैट, थोड़ा सा रीअप्लाई करने में मुझे हो रहा था, तो अच्छा हुआ मैंने एक ही शेड लिया है, बिकॉज मुझे ठीक लगी, नॉट सो गुड नॉट सो बैड एक्चुअली। इनसाइड कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी हैं, बुलेट लिपस्टिक्स, या अफोर्डेबिलिटी में स्विस ब्यूटी की बहुत ब्यूटीफुल है, मार्स की तो मतलब बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, फिर ना मैंने इनका कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, विच इज़ माय फेवरेट, अगर मैं बोलूँ ना लामेल से मुझे एक प्रोडक्ट चूज़ करना हो तो मैं इनका कॉम्पैक्ट पाउडर चूज़ करूँगी, बिकॉज ये बहुत अच्छी इसकी कवरेज है, एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड अबाउट दिस कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। ऑक्सीडाइज नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग फार्मूला है ये, बहुत मैट नहीं बनाता, एंड इनके फाउंडेशंस भी मुझे बहुत अच्छे लगे, ठीक है। सो इनसे पहले मैंने इनका ये स्किन क्लेरिफाइंग फाउंडेशन जो लास्ट वीडियो में यूज़ किया था वो भी मुझे बहुत पसंद है। सो या, तो इसी के साथ मेरा मेकअप लुक हो जाता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।